क्या मत ना, चलो रो मत ना, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, चलो 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 चलो। अरे यार, तो हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल आप सभी के। मैं आपका भाई जियाना चाहूँ न्यू ब्लॉग के साथ वापस। तो यार देखो, ब्लॉग चालू करने का मन नहीं था ना, अभी ना मैं किसी काम से जा रहा था बाहर, अभी बस रेडी हुआ था भाई, सडनली भाई मुस्कान की कॉल आई और वो रो रही है भाई, पता नहीं क्या हुआ कि मेरे से मिलना हो। मैंने बोला यार मेरे को काम से जाना है अभी, समझो नहीं नहीं अभी मिलना हो मेरे को, ये हो गया वो हो गया, भाई पता नहीं क्या हुआ यार। मैंने सोचा भाई ब्लॉग बनाना चाहिए, अगर कुछ ऐसा सीन है तो यार दिखा दूंगा ना, तो समझ में नहीं आ रहा भाई कि क्या सीन कर लिया। अब तो सब ठीक है ना, ना कोई ब्रेकअप वाला सीन है ना कुछ, अब तो अच्छा है, साथ में सब कुछ चल रहा है। तो पता नहीं भाई क्या सीन है क्या नहीं, तो भाई पता नहीं अभी क्या हो गया यार। चलता हूँ मैं अब, काम इंपॉर्टेंट थोड़ा ना, उससे ज़्यादा चलते हैं। घर पे भी आज कोई नहीं भाई, सब शादी में गए हुए हैं, तो वहीं बुला रही है अपने घर के पास ही मॉल की साइड, चलते हैं वहाँ पे, एंड जो भी होगा आई पता नहीं भाई क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। बस यही सोच रहा हूँ कि फालतू कुछ ना हो, कभी मजाक कर रही हो मेरे साथ, कभी कुछ कर रही हो, ऐसा कुछ ना हो, बाकी आई होप कुछ गलत ना हो। चलते हैं, अगर ब्लॉग अच्छा बना तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और लाइक ठोक दो वीडियो को अच्छे से यार, और शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं एंड, वहाँ चल के आप लोगों से मिलते हैं, तो बस बन रहा ब्लॉग में। भाई देख सकते हो भाई, अभी तुम्हारा भाई आ चुका है भाई निर्माण विहार, जस्ट मैंने मेट्रो से एग्जिट लिया है और पीछे मेरे मॉल है। तो भाई उस मुस्कान का जो घर है ना, वो इधर की साइड से पड़ता है इधर जाके, तो उसने मेरे को यहीं इधर की साइड ही बोला था कि यार इधर ही आ जाना। तो वेट करता हूँ उसका, पहले उसको कॉल कर लेता हूँ कि यार कितनी देर में आएगी, बिकॉज आई डोंट नो यार अभी कितना टाइम लगे कितना टाइम ना लगे। तो पीछे की साइड में इधर ना ही पार्क है, मैं सोचा थोड़ा आ जाके थोड़ा पार्क में मतलब बैठ जाऊँ, ठंड लग रही है, नहा कर आया हूँ तो थोड़ा समझ रहे हो ना, धूप भी निकल रही उधर की साइड। तो चलो कोई बात नहीं, अभी आने वाली होगी वो, इधर सा आई डोंट नो भाई, पता नहीं है। तो आने वाली, उसका वेट कर रहा था हमारा भाई, और आती है उससे मिलवाता हूँ फिर भाई, मेरे को नहीं पता उसके साथ क्या है क्या सीन नहीं हुआ जो रो रही थी इतना, तो आती है फिर उससे मिलवाते हैं, तो बस बंद रहो ब्लॉग में। तो भाई देख सकते हो भाई, वेट करते करते ना भाई मतलब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, चल के उधर भी देख कर आया मैं और इधर भी देख रहा हूँ, अभी तक आई नहीं है भाई, पता नहीं कहाँ ही गई है लड़की। बोल अब कॉल कर रहा हूँ, कॉल नहीं उठा रही, पहले तो कॉल उठा के बोल देते कि हाँ मैं रिक्शा में बैठी हुई हूँ आ रही हूँ, तो अभी भाई पता नहीं है। बाकी हम अगर जो दिमाग ख़राब हुआ ना भाई साहब, मैं मॉल में चले जाऊँगा, देख सकते हो भाई। बट यार आज का जो मौसम है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा हो रहा, सामने धूप निकल रही है, देख सकते हो कितना तक तो भाई कितना ज़्यादा प्यार चमक रहा है यार, कि छोड़ो वो पता ही नहीं, मेरा दिमाग जब ख़राब भाई। एक तो ये बंदा अपना काम छोड़ कर आया, समझना चाहिए ना कि हाँ चलो अब कोई बात नहीं, वेट करते हैं एंड उसके आने के बाद भाई देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है यार। A few moments later. तो भाई देख सकते हो फाइनली इतनी देर वेट करवाने के बाद फाइनली वो लड़की आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है ना, गुस्सा आ रहा, क्या बोलूँ उसे क्या नहीं बोलूँ। सलामुअलैकुम, कैसी हो? बढ़िया। क्या है बताओ भाई, क्या, क्या ना तो तुमने मेरे को बोला कि मॉल में चलो, सीधा बोला कि बस रोड पे खड़े ना आ रही हूँ मैं, तो मॉल में नहीं हो पाएगी, क्या बात करनी है बताओ क्या? अरे यार पता क्या हुआ अभी, क्या मतलब समझोगे ना, बस वो डिस्ट्रॉय हो गया वो, मतलब लेकिन पागल बना रही हो मेरा, नहीं कर सकते हम है? यूज नहीं कर सकते मतलब ऐसा करके मेरे साथ, मेरा एक सामान है वो। तुम एक बात बताओ पहले मेरे को, मेरे को बुलाया क्यों है, कुछ बात क्या बात करनी है मेरे को, नहीं लग रहा मुझे, ऐसा लग रहा बस इन्हें भाई टाइम पास करने के लिए बुलाया मेरे को, ऐसे ही लग रहा कि बस टाइम पास, क्या बात करनी है ना ही। तो इसने मेरे को बोला कि अंदर की साइड चल रहे, ना इनने बोला कि बाहर मिलो बस आ गया। कल क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, अच्छा बता क्या हुआ, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, मैं कैसे ही बताऊं क्या ही बताऊं, क्या हुआ ना बताओ बोलो, अरे परेशानी है कुछ? अरे नहीं यार, फिर क्या हुआ पता नहीं, वो ठीक होगा अभी कि नहीं होगा, हुआ क्या है जब तक बताओगे नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा कि हाँ ठीक होगा नहीं होगा, मतलब मेरा ध्यान कहाँ था ये सब कर लिया मैंने। तो मेरे भाई मेरे को बताओगी नहीं तो उससे पहले मैं कैसे तुम्हें हल बता दूंगा कि हाँ जी ये सीन नहीं, बताओ मेरे को पहले बताओ तो सही कि हाँ जी ये चीज़ है, बताओ मेरे को और अल्लाह पे भरोसा रखो, कुछ है अगर तुम्हारी पर्सनल चीज़ है तो मेरे को बता सकते हो, मैं कैमरा ऑफ करके बोलो ब्लॉग बना सकता हूँ, नहीं पहले ये बता दो बना लो ब्लॉग के लिए मना, नहीं कभी भाई तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम हो मैं फिर ब्लॉग बनाऊँ इसलिए बोल रहा था, नहीं नहीं बताओगी बोलो। अच्छा एक बात बताओ, अगर कुछ जलता है हाँ, है ना, और ऑयल से जला हो वो हाँ, बहुत गर्म ऑयल से, तो मतलब, वो ठीक हो सकता है क्या, मतलब समझा नहीं मैं, डॉक्टर ठीक कर देते हैं ना, डॉक्टर क्या ठीक करेगा भाई, ठीक करने वाला ऊपर बैठा तो है, मतलब ठीक हो जाएगा क्या, तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा क्या हुआ बताओ मेरे को कि हाँ जी ये चीज़ हुई है मेरे को, परेशान क्यों हो, क्या हुआ परेशान क्यों हो ये बताओ, भाई मेरे को बता ही नहीं रही कि हो क्या गया, उससे पहले मैं क्या ही बताऊंगा कि ऑयल से ये हो गया ये हो गया, पहले मेरे को बताओ तो सही कि हाँ जी ये चीज़ हो गई मेरे को, बता रही हूँ जैसे कि अगर कुछ होता है जलता है कुछ, क्या क्या जलता है, ठीक हो जाता है वो, क्या जला बताओ, तुम्हारा कुछ जला है क्या, अरे यार बहुत बेकार चीज़ हो गई, क्या हुआ बताओ,
तुम नोटिस नहीं कर रहे कुछ? मैं भाई मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, तुमने मेरे को बोला कि हाँ जी मेरे से मिलना आ जाओ, तुम आ गए। मेरे को क्या पता क्या है क्या नहीं, अब तुम बताओ कि जभी तो पता होगा। छोड़ो यार, मैं नहीं बता सकती। ये ना ड्रामे कर रही, मुझे 100% पता, ऐसा कुछ भी नहीं। चलो आओ चल रहे हैं, मॉल में चल रहे हैं ना। मैं आया हूँ, मैं काम, मैं ना अपने इम्पोर्टेंट काम से जा रहा था, सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ यहाँ पे। अगर तुम ऐसे ही मेरे को कुछ बोल रहे हो तो बताओ, मैं घर चला जाऊँगा यार, मेरे को जाना है किसी काम से। बताओ फटाफट, जल्दी बताओ। अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना तो मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ रहोगे यार, मतलब बिल्कुल विजिबल चीज़ है अगर तो कोई... क्या हुआ मुझे बात तो बताओ कि हाँ ये बात है, मुझे बताओ तो सही बाबू, क्या हुआ, क्यों टेंशन में हो बिन मतलब में? बताओ, तुमसे मैंने कभी कुछ बोला है? कभी तुमसे लड़ा हूँ मैं क्या? क्या कैसा हुआ है? मेरी भी तो बात सुनो। कैसे हुआ बताओ मेरे को, कैसे हुआ? मैं नॉर्मली वो बना रही थी, पूड़ियाँ होती है ना, वो कर रही थी, पूड़ियाँ होती है वो कर रही थी, और उसके पे ही वो जो ऑयल था ना, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो मैं पता है कि उसको मुझे ना दूसरे स्टॉक से, एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक से मुझे कन्वर्ट करना। मैंने उसको उठाया और इधर से मैं उधर करने लगी, इतने ही वो पूरा ही तेल मेरे, मतलब मेरे पैर पे भी लगे, बट पैर पे इतना कुछ नहीं हुआ जितना इस पे हो गया। ये बिल्कुल ऐसा तेल लग गया और ऐसे मेरी स्किन ना ऐसे ऐसे उड़ने लगी। ध्यान कहाँ था तुम्हारा, ध्यान कहाँ था? तुम समझ नहीं रहे, तेल गिरा और स्किन ऐसे उड़ने लगी, जैसे कि कुछ जस्ट चिकन फ्राई करते हैं ना, वो ज़्यादा जल जाता है तो फिर कैसे फटने लगता है। दिखाना एक बार ज़रा। अरे यार स्वेलिंग तो पूरे हाथ में ही है ना, थोड़ा क्या दिक्कत है? कुछ नहीं है, रो मत ना, रो क्यों रही हो? अरे यार मैं तुम्हें नहीं पता, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, चुप हो जाओ, रो मत, ऐसे मत छुए करो, रो यार मत ना यहाँ पब्लिक प्लेस पे, क्या ऐसे करके मत छुए करो यार प्लीज बाबू। तो मैं तो हमें किसी से क्या मतलब, एक बात तो बताओ पहले। मैं इरिटेट क्यों हो रही हूँ? तो हमें क्या मतलब किसी से, एक बात तो बताओ मुझे कि हाँ जी हमें किससे मतलब है, बताओ। सबसे मतलब है मुझे, किससे मतलब है? मुझे नहीं अच्छा लगता जो देखते हैं यार। तो मेरी भी तो बात सुनो, मैं कर तो रहा हूँ, तुम क्यों टेंशन ले रही हो मुझे ये बताओ कि हाँ ये चीज़ है, टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूँ ना यहाँ, देखो पहले। हाँ मैं हूँ ना, तो सैड क्यों हो फिर? सैड क्यों ये बताओ, बोलो क्यों सैड हो? अब मैं इस हाथ से काम नहीं कर सकती, अभी कौन कह रहा है, कौन कह रहा है नहीं कर सकती, मुझे बता दो, उसका नाम दे दो कि हाँ ये कह रहा है भाई। अब देखो मेरी बात सुनो, ऐसी प्रॉब्लम जो होती है ना आ जाती है इंसान के साथ कि हाँ ये हो गया, किसी का हाथ जल जाता है, पैर जल जाता है, वो थोड़ी ना कि हाँ भाई वो सिचुएशन है तुम उसमें मतलब कमज़ोर रहोगे, ऐसा नहीं होता ना बाबू। बी स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग। मेरा पैर जल गया था, उस पर अभी भी निशान है, वो गया नहीं, और मेरे हाथ पे है। तो ध्यान, अबे यार ध्यान कहाँ था तुम्हारा, ध्यान कहाँ रखते हो पागल? पता क्या किया मैंने, तेल तो गिर गया, फिर ऐसे ऐसे हटा कर, जिससे मैंने इसे हटाया ना मेरी स्किन निकल गई और मैंने पानी डाल दिया, फिर उसकी वजह से ना वो क्या ही हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा। ध्यान रखा करो बाबू, काम के समय बिल्कुल ध्यान रखा करो, क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो बताओ यार। देखना क्या क्या हालत कर लिया भाई इसने अपने हाथ की यार, इसलिए बुलाया था तुमने मेरे को? हाँ ये दिखाने के लिए, यही हुआ है यार। मेरे को नहीं पता था कि हाँ इसलिए बुला रही है, मेरे को तो लगा था कि शायद कुछ सरप्राइज देगी। क्या वीडियो मत डालना, मैं नहीं दिखा सकती अपने हाथ को ऐसे। अरे तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है भाई? देखो सुनो, ये एक ना लोगों के लिए मैसेज भी होता है कि हाँ अगर किसी का ऐसा कुछ जल जाए, मतलब भेदभाव करती है ना पब्लिक, ऐसा मत करो भाई। इसके साथ हुआ कि मैं आ रही थी तो मतलब लाइक मैंने अपना हाथ ऊपर रखा है, मेरा हाथ है, मैं घर छोड़ के थोड़ी आऊंगी, मैंने अपना हाथ थाई पे रखा हुआ था, और जो भी बैठ रहा था ना कोई नहीं, वो मेरी सीट के बराबर में नहीं बैठ रहा था, वो आगे बैठ रहा था। चलो कोई नहीं, दिखाओ मेरे साथ चलो, तो मैं भी डॉक्टर के यहाँ पे, चलो दिखाओ। मैंने वो लगाया है, बेसिकली दिखाओ एक बार, देख सकते हो उसने अपने हाथ के साथ क्या करा। जब इसे मैं बोलता हूँ कि घर का काम ना वगैरह मत करो, गरम गरम इनने पूरा तेल इसके हाथ पे गिर गया और बहुत ज़्यादा ही मतलब दिक्कत हो गई भाई। मेरे से तो भाई देखा भी नहीं जा रहा, मतलब पूरा जो मांस होता ना वो नहीं, मेरे को नहीं था यार इसमें ये ना वो होगा ना, तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा मेरे को पता है इसको।
अभी करवाना पड़ेगा इसको। चलो ना मेरे साथ, चलो डॉक्टर के यहाँ चलो ना यार, रुक जाओ यार। चलो तो सही, अरे मैं हूँ तो सही साथ में। तेरे साथ होने से क्या मतलब है मुझे? अरे तो चलो तो सही, मैं भी तो कुछ बोल रहा हूँ ना। अरे कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्ग रहो। चलो मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ पे मैं करवा लेता हूँ, चलो फटाफट चलो। अरे मैं बोल रहा हूँ कि भाई डॉक्टर के यहाँ चलो, मैं करवा तो रहा हूँ भाई, अब हाथ जल गया पूरा, हाथ पे तेल आ चुका है। अरे अरे बाबू रो मत ना, चलो रो मत ना, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, चलो 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 चलो। अरे यार चलो, अरे रो मत ना ना, मैं हूँ तो सही। चलो चलो सॉरी सॉरी, नहीं चलो डॉक्टर के यहाँ है। हटा कैसे बताओ? मैं जा रहा हूँ भैया अपने घर पे। मेरे को अगर पता होता ना कि मेरे साथ यही चीज़ होने वाली है, मुझे बुलाया मत करो, मुझे मत बुलाया करो। मैं अपने काम से जा रहा था, मैं मेरे को बुला लिया बिन मतलब। अबे पागल, तेरे पे ये प्रैंक मैंने पहले किया हुआ था मुझे लगा। अरे भैया मेरा ध्यान, मेरा आप लोगों को तो पक्का पता लग गया होगा क्योंकि इन्होंने देखा हुआ है और मैंने प्रैंक किया था, तो सच में पता नहीं लगा। भैया मेरे को समझ, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, सॉरी मूव ऑन। नहीं समझ रहा ना, मुंह तोड़ दूंगा मैं अगर मेरे साथ ऐसी हरकत करेगी ना दोबारा। मैं अपने इतने इंपॉर्टेंट काम से जा रहा था, सिर्फ तेरे लिए आया हूं यहां पर मैं, समझ गई ना? बाप के काम से जा रहा था, तो मैं बुला रही थी, तू आ रहा था बता जब मैं कह रही थी। अरे यार मेरे को नहीं पता था सही में ये ऐसा करेगी सब कुछ। मेरे फोन तो पकड़ ले, ब्लॉग बना रहा था मैं यार, क्या क्या करूंगा मैं अब, डालूंगा ये ब्लॉग में। मेरे को क्या पता, जब तूने बोला कि हां आना है तो मैं तो ब्लॉग बनाता हूं ना भाई, पता नहीं क्या हो गया, डालूंगा वीडियो में। लाइक ठोक देना वीडियो पे, लाइक कर देना कर देना, और इसके लिए ना कमेंट पे बकना अच्छे अच्छे से कुछ। अरे आओ ऐसा कर दिए क्यों, तो मैं तो धुलवाऊंगा यार। अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, मैं तो यहां आके कर रही थी, मैं तो अंदर थी पागल। चलो भाई तू अंदर से आ रहा है, मैं घर जा रहा हूं, अब मैं घर जा रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा यार। एक तो हवा, चलो भाई यार ये ब्लॉग में मुझे समझ में नहीं आया क्या ब्लॉग हुआ क्या नहीं हुआ, तो ब्लॉग बंद कर दो पहले अपना। तो भाई वीडियो अच्छी लगी डालूंगा, 100% डालूंगा वीडियो, इसके लिए ना लिखना कमेंट में। मैं तो कह रही हूं, मैं तो प्रैंक, मैंने पहले ही बोला था कि व्लॉग बना के आओगे तो याद रखना, मैंने पहले वाले में ही कह दिया था। जाओ काम करो, बस हो गया ना, चलो ठीक है भागो यहां से। तो भाई मेरे को नहीं पता था ये इतना मतलब बकवास करेगी मेरे साथ, तो ये ब्लॉग भाई जैसा ये बना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आगे की जो भी चीज़ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।